सुनाओ निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस में आपका स्वागत है अभी आप देखिए मार्केट क्लोजिंग के ऑलमोस्ट पास में यहाँ पर कोई अब मूवमेंट मिलेगा नहीं आज एक्सपायरी डे बहुत अच्छा है ऑलमोस्ट एक परसेंट की आपको यहाँ पर तेजी मिली हुई लेकिन आज लॉसेस जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के बहुत हुए होंगे उसका एक रीज़न है आज मेरा भी लॉस हुआ है बहुत ज़्यादा लेकिन मैं अपने ईगो में आज इतना यहाँ पर खो गया था कि आज पूरा चार्ट को उलट पलट करने लगा लेकिन मेरे सामने लेवल टू लेवल निकलते गए और उन लेवल्स पर ध्यान ही नहीं देता मुझे लग रहा था मार्केट वीक है लेकिन एक्चुअल में मार्केट स्ट्रांग था मैं आपको बताता हूं एक सबसे बढ़िया चीज अगर आपको लॉस हो रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर आप पांच पॉइंट अगर सत्रह हजार से देखिएगा बॉलिंजर बैंड आप लगा लीजिए पांच मिनट की कैंडल लगा लीजिए एक भी टाइम आपको मैं आपको दिखाता हूं आप देखिए बॉलिंजर बैंड यहां पर जो है इंडिकेटर लगा हुआ है और ये पांच मिनट की कैंडल्स है आप चार तारीख है आप पुराना डेटा उठा के देखेंगे आपको सेम टू सेम ऐसा ही नज़र आएगा क्या नज़र आएगा ये जो एवरेज लाइन गई है आप देखिए बिल्कुल मार्केट ने बिल्कुल रेस्पेक्ट दी है और हर रोज रेस्पेक्ट दे रहा है बॉलेंजर बैंड में अगर ये एवरेज लाइन ब्रेक भी होती है तो वो कवर हो जाती है ये ध्यान रखिए तुरंत ही कवर हो जाती है नेक्स्ट कैंडल आपको कवर होती हुई मिलती है और ये आज का नहीं चल रहा है ये कई दिनों से चल रहा है तो अगर आप देखें तो आप अपने लॉसेस को कंट्रोल कर सकते हो और आपको ये पता चल सकता है कि पुट में काम करना है या कॉल में काम करना है या पुट को नहीं टच करना है और आज भी यही था आज लेवल टू लेवल सबसे पहले तो एक का लेवल निकला अठारह हजार का तुरंत ही उस पुट से हट जाना था कॉल में कन्वर्ट करना था फिर टारगेट आता है अठारह वहां पर वो भी निकला धीरे धीरे स्लोली स्लोली जो एक झटका मारा निफ्टी ने फिर नीचे आया फिर दोबारा यहाँ पर जो है ना लेवल क्रॉस होते हुए गए अठारह से निकला अठारह मिला फिर वो तुरंत ही अठारह और उनके बाद अठारह निकलने के बाद रेजिस्टेंस लेवल जहाँ था निफ्टी वहां तक चला गया आप सोचिए आज बढ़िया तेजी आज मिली है लेकिन आज जो ईगो में रहे होंगे वो यहाँ पर जो है ना पैसा गवाए होंगे और ये यहाँ पर जो है ना रिग्रेट करने की बात नहीं ये सिर्फ बात है यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर को समझने की मैं खुद भी समझ रहा हूँ यहाँ पर काफी ज्यादा लॉस आज ले लिया है पुट की वजह से कॉल में भी एंटर की थी सोचा था स्टॉप लॉस लगा लूंगा लेकिन इन द मनी कॉल में मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया स्टॉप लॉस मैंने हटाकर कॉल बेचकर तुरंत ही पुट में कन्वर्ट करता गया खुद को और लॉसेस पर लॉसेस होते गए अब ये मैंने आपके सामने इसीलिए रखा है क्योंकि हर रिटेल इन्वेस्टर की अगर देखें तो 90 परसेंट रिटेल इन्वेस्टर इस वक्त यही कर रहा है क्योंकि लगातार जो तेजी हो रही है मार्केट में वो हमसे कह रही है कि शॉर्ट कर दो पुट ले लो गिरेगा मार्केट यहाँ से लेकिन एक्चुअल मार्केट गिर नहीं रहा तो इसीलिए मैंने आपसे कहा है कि बॉलिंजर बैंड आप लगा लीजिए चार्ट पर और देखिए पाँच मिनट की कैंडल लगाकर बॉलिंजर बैंड का जो एवरेज लाइन है वो अगर टूटेगा भी तो दूसरी कैंडल आपको रिकवर करते हुए निकलेगी और एवरेज लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग होती है तो आप देखिएगा रिस्पेक्ट दे रहा है इस वक्त और आपका बहुत काम आ सकता है अब यहां पर क्या है आपका अट्ठारह के लेवल आ चुके हैं बिल्कुल डिट्टो आपका रेजिस्टेंस लेवल पर अट्ठारह हजार दो सौ सिक्सटी uh, एट का लेवल जो है ना वो आपका रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ पर यह रहा ये uh, ये रहा आपका ये कैंडल इसका मतलब ये यह यहाँ पर ऑलमोस्ट यहाँ पर क्लोजिंग हो ही रही है पांच मिनट की बात है अट्ठारह दो सौ अड़सठ के आसपास यहाँ पर पचास के आसपास क्लोजिंग हो रही है अब यहाँ पर क्या लगता है देखिए एक लेवल पड़ेगा अट्ठारह का ये जो कैंडल है इसका जो टॉप है वो अट्ठारह के आसपास का अगर ये मार्केट 18 या 310 निकल दस तो और बड़ी तेजी होगी वो तेजी आपको चार तक लेकर जाएगी वो ये रही, ये रही कैंडल ये आप ये समझिए धीरे 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 ना तेजी लगातार बढ़ती जा रही है आपको बिल्कुल भी मौका नहीं मिल रहा है डिप का तीस चालीस पॉइंट की डिप आती है वो कोई डिप नहीं होती है एक्चुअल में मार्केट लगातार तेजी में बुलिश में प्रॉब्लम ये है कि कॉल लेते हैं और हमको वेट करना पड़ता है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर आग्रह कर देता हूँ अलर्ट कर देता हूँ ग्यारह बजे से एक बजे तक आपको मार्केट नहीं छूना है चाहे थर्सडे का दिन बिल्कुल थर्सडे के दिन तो बिल्कुल भी नहीं छूना है आपको एक बजे तक यूरोपियन मार्केट ओपन हो जाए उसके एक घंटे बाद ही देखना है हमारे मार्केट को राइट ये ध्यान रखिएगा तो तेजी है मार्केट में और हो सकता है कि तेजी आपको अठारह और उसके ऊपर तो हमारा जो एक फिफ्टी वीक हाई है अठारह हजार आठ सौ उनचास वहां तक आपको लेके जाए आज यूएस का मार्केट भी यहां पर जो है ना देखना पड़ेगा क्योंकि यूएस के फ्यूचर्स जो है वो डाउन है तो ये आपको देखना होगा क्या पता निफ्टी यहां पर जो है रेजिस्टेंस लेवल से घूम जाए क्योंकि एक बड़ा डिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉसेस बहुत दूर है तो रिटेल इन्वेस्टर यहां पर स्टॉप लॉसेस कैसे लगा सकता है रिटेल इन्वेस्टर अगर आप देखें स्टॉप लॉसेस तो 300 300 पॉइंट साढ़े तीन पॉइंट दूर हो चुके हैं स्टॉप लॉस लेकिन यहां पर अगर आप स्टॉप लॉस देखेंगे तो क्या होगा स्टॉप लॉस एक लॉजिकल लेवल देखते हैं लॉजिकल लेवल क्या होगा देखिए यहां पर इस कैंडल को राइट अभी क्या है वैसे तो अगर आप देखें तो ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका ऑलमोस्ट 206 सौ छः अट्ठारह का है वो अगर ये निफ्टी 18 या 206 सौ छः अठारह या दो तक आता है तो फिर कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर जो है ना अगर वहाँ उस लेवल से घूमता हुआ अगर नज़र आए तो ठीक है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग एक लेवल जो होगा बाइंग करने के लिए बाई करने के लिए क्या होगा बाई करने के लिए हो या फिर एक तरीके से एक यहाँ पर ना स्टॉप लॉस आपका रखने के लिए हो क्या होगा वो लेवल मुझे लगता है ये वाला लेवल ये कैंडल क्योंकि ये निचले लेवल की है फिर उसके नीचे यहाँ पर जो है ना रेजिस्टेंस थे सबसे पहला रेजिस्टेंस यही पड़ा था और ये आपका अट्ठारह का लेवल है अट्ठारह अगर यहाँ तक की कोई डिप आती है अट्ठारह तक आता है तो आप ये समझिए किसी को अगर बाय करना है तो इस जगह पर देखिएगा यहाँ पर आपको क्या करना है अठारह हज़ार एक सौ उनचास एक सौ साठ अगर आ गया तो आप पंद्रह से बीस पॉइंट का नीचे का एक लो एक रेंज ड्रॉ करिए यानी कि अठारह हज़ार एक सौ तो चालीस तक का उस रेंज में कहीं ना कहीं निफ्टी अगर आता है अठारह हज़ार एक सौ साठ तो आप ये समझिए वहाँ तक कहीं ना कहीं नीचे भी अगर जाता है उस लेवल के तो कंसोलिडेट करके ऊपर आ जाएगा ऐसे में यहाँ पर बाई करना ठीक होगा लेकिन अगर वो 20 पॉइंट का जो आपने रेंज बनाई है अगर वो भी तोड़ गया अट्ठारह हजार भी अगर तोड़ गया तो आप समझिएगा कि एक रेजिस्टेंस लेवल जो आप सपोर्ट की तरह काम आ रहा था वो सपोर्ट टूट गया मार्केट के अंदर और फिर यहाँ पर जो है निचले लेवल यहाँ पर और दिखाई दे सकते हैं तब यहाँ पर ऐसे टाइम पर यहाँ पर छोड़ दीजिए अब जो यहाँ पर कैरी करके गया है कॉल कैरी करके गया है वो किस लेवल पर ध्यान दे देखिए आप ध्यान दीजिए सबसे पहले अट्ठारह पर और जो रेंज यहाँ पर मैंने आपको निचले लेवल की सबसे नीचे बताई है कि अट्ठारह तक आए वहाँ पर नीचे 20 पॉइंट का आप एक जो रेंज है वो ड्रॉ करिए अठारह वो अगर 140 अगर जाता है तो फिर यहाँ पर जो है ना मंदी गहरा सकती है ध्यान रखिएगा अदरवाइज़ यहाँ पर जो है ना आपका यहाँ पर बाउंस मार ही जाएगा क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है वो सपोर्ट लेवल फिर आप कहाँ पर सपोर्ट ढूंढेंगे जाके तो एक लॉजिकल लेवल यहीं समझ में आता है अट्ठारह इस पर नज़र रखिएगा तो उदास मत हो ये कुट का टाइम नहीं है ये आप ध्यान रखिएगा एक बात अट्ठारह का ये लेवल याद रखिए अगर यहाँ तक टिकट मिलती है पंद्रह पॉइंट नीचे में एक लाइन ड्रॉ करिए यानी कि पंद्रह पॉइंट ऑलमोस्ट वन फोर्टी फाइव वन फोर्टी फाइव या फोर्टी तक अट्ठारह हजार एक सौ चालीस तक ये लेवल कंसोलिडेट का होगा ये रेंज कंसोलिडेशन की होगी अगर यहाँ पर घूमता है मार्केट आप ध्यान रखिएगा यहां से यहाँ पर आपको बाय करने करने का मौका मिलेगा अगर घूमता है तो इस लेवल पर ध्यान रखिए जो कि मैंने आपको दिखा दिया है इसके साथ साथ मेरा यही कहना है कि पांच मिनट की कैंडल का आप चार्ट लगाइए और बॉलेंजर बैंड को जरूर लगाइएगा आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा सो उमीद आप पूरी बात को यहाँ पर समझोगे ये रहा आपके सामने अलर्ट सारी चीजें मैंने आपको बता दी आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन मैं सक्ष कह दीच में जाओ वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों